अब जो है जो नेक्स्ट थिंग जो हमारे पास आती है वो है रिएक्शंस ऑफ फिनोल। जो पहला रिएक्शन है वो है रिएक्शन ऑफ फिनोल विद वाटर। इसमें क्या होगा कि देखें आपके पास जो है Br2 और इसमें जो है वो क्या बनता है आपके पास Br+HBr बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, सो ये जो है ये इसका जो है वो कंप्लीट रिएक्शन बनता है। अब जो है वो इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें जो है इसकी जो प्रॉपर्टीज अगर लिखते हैं हम तो वो हम ये लिखते हैं Br2 aqueous is used, ठीक है, उसके बाद no catalyst is required, required and reaction condition भी कोई खास नहीं है। ठीक है, aqueous bromine solution is decolorized. And the product is 2,4,6-tribromophenol बनता है। ठीक है, अब जबकि एक और इसका जो है वाइट प्रेसिपिटेट कौन सा बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ 2,4,6-tribromo फिनोल, एंड हम ये कहते हैं कि एक्वस ब्रोमीन सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड, हेंस इट इज यूज्ड एज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिनोल। ठीक है, ये Br2 के साथ, ठीक है, ठीक है, और यही रिएक्शन जो है वो क्लोरीन के साथ भी होता है। ठीक है, ठीक है, सिमिलर रिएक्शन टेक्स प्लेस विद Cl2 एक्वस एंड 2,4,6-trichlorophenol इज फॉर्म्ड। ठीक है, द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फिनोल इज नाइट्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि देखें +H3OH है तो इधर आ जाएगा प्लस ठीक है, तो ये जो है ये इसका
रिएक्शन होगा। ठीक है, तो अब इसमें जो होता है वो होता क्या है, 2 नाइट्रोफिनोल एंड 4 नाइट्रोफिनोल इज फॉर्म्ड। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इफ एक्सेस HNO3 इफ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इज यूज देन द प्रोडक्ट फॉर्म इज NO2। इधर भी आएगा, इधर भी आएगा, इधर भी आएगा। इसका नाम क्या है, ये जो बना है ये 2 नाइट्रो फिनोल है, ये जो है ये 4 नाइट्रो फिनोल है, और ये जो है ये 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल है। ठीक है, सो ये जो है ये प्रोडक्ट्स बनेंगे। ठीक है, और दिस इज दी नाइट्रेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी हैव विद अस इज नंबर 3 रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एथेनॉल। फिनोल के तो 2 रिएक्शन हैं, अब जो है वो मैं आपको रिएक्शन करवाता हूँ एथेनॉल के साथ। ठीक है, हमने जो है वो उसमें ऊपर अभी पिछली लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने बेसिसिटी आपको एक्सप्लेन की थी फिनोल की, एथेनॉल की एंड वाटर की। तो फिनोल का तो रिएक्शन हमने बता दिया, और बता दिया कि फिनोल का रिएक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा क्यों तेज है, स्ट्रॉन्गर क्यों है, वो भी हमने बता दिया। अब जो फिर हमने बात की थी एथेनॉल जो है इट इज द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, तो एथेनॉल के भी रिएक्शन बता देते हैं। वी हैव एथेनॉल C2H5OH प्लस Na एंड इट मेक्स C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2। What is the name of the product? Sodium ethoxide. ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो वो लिख रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या होता है। सोडियम सिंक्स, सोडियम डज नॉट मेल्ट, and the reaction type is redox reaction। ठीक है, तो ये इसकी जो है वो प्रॉपर्टी है। अब जो है हमने रिएक्शन कर दिया एथेनॉल और सोडियम का, तो अब जो है वो हम रिएक्शन करते हैं फिनोल और सोडियम का। ठीक है, तो दिस इज रिएक्शन नंबर 4, रिएक्शन ऑफ फिनोल विथ सोडियम। Na O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस हाफ H2। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या बना है, सोडियम
फेनोक्साइड, ठीक है, सोडियम फेनोक्साइड बने। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं, वो ये है कि फिनोल इज डिजॉल्व इन एक्वस, सॉरी इन एक्वस नहीं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सोडियम, पिछली वाली बात है सोडियम सिंक्स एंड डज नॉट मेल्ट। उसके बाद इट इज रैपिड एवोल्यूशन ऑफ गैस, एंड द रिएक्शन टाइप रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए एक बात जो है ना, वो मैं आपको एक टिप देता हूँ, वो टिप ये है कि व्हेनेवर जब भी आपके पास एक एलिमेंट इन्वॉल्व होगा, इन दिस केस कौन सा एलिमेंट है, सोडियम है, वो रिएक्शन हमेशा जो है वो रिडॉक्स होगा। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्शन, वो हमेशा रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स हो जाएगा। ये रिडॉक्स क्यों होगा, देखिए इधर Na के पास का चार्ज जो है वो जीरो है, और उधर जाके प्रोडक्ट साइड भी इसका चार्ज जो है वो प्लस हो जाता है, पॉजिटिव वन हो जाता है, चार्ज चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन होगी, रिडक्शन होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सारा कुछ हो रहा होगा, तो ये रिडॉक्स हो जाएगा। तो ये हमेशा जो है ना वो ये बात जो है वो कोशिश करें कि याद रखें। अब जो है वो एक और रिएक्शन करवाता हूँ आपको, और ये जो है ये फिफ्थ रिएक्शन है, एंड द रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ फिनोल विद NaOH। तो इसमें ये होगा C6H5OH है प्लस NaOH है, ये आपके पास C6H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस H2O बनाता है। ठीक है, और इसमें ही होता रिएक्शन टाइप कौन सी है, तो यार ये एसिड बेस रिएक्शन होता है। ठीक है, एसिड बेस क्यों है, एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, फिनोल एसिड है ना और NaOH बेस है, तो एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन है, ठीक हो गया, अंडरस्टूड। ठीक है, अब जो है वो मैं आपको बताता हूँ एक चीज, तो ये फाइव रिएक्शन जो थे वो थे आपके फिनोल्स के। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है इसी चैप्टर में, और अक्सर वो पूछता भी है, और उसका जो है वो क्वेश्चन भी आता है कि किन किन किस किस के साथ जो है वो रिएक्शन अल्कोहल करता है और फिनोल करता है, तो उसका एक टेबल बनाता हूँ, तो वो देखिए मैं बनाता हूँ। इधर हम लिखते हैं रिएजेंट, इधर हम लिखते हैं अल्कोहल, इधर हम लिखते हैं फिनोल। रिएजेंट सबसे पहला जो है वो सोडियम है, दूसरा NaOH है, और तीसरा Na2CO3 है। ठीक है, अल्कोहल के साथ Na रिएक्ट करता है, टिक लगा दे, NaOH अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है नहीं करता, Na2CO3 करता है नहीं करता, फिनोल के साथ Na रिएक्ट करता है, NaOH के साथ करता है बिल्कुल करता है, और Na2CO3 के साथ नहीं करता। अब ये बताने का मकसद क्या है, ये बताने का मकसद ये कि आपको आसानी हो जाए कि यार किसके साथ रिएक्ट करता है। अब जैसे आपको पता चल गया है कि अल्कोहल के साथ सिर्फ सोडियम रिएक्ट करेगा और कोई नहीं रिएक्ट करेगा, और
ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि एल्कोहल के रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दो, तो आप लिख देंगे नो रिएक्शन, नहीं होने वाला। सोडियम के साथ एल्कोहल का होगा, और फिनोल का किसके साथ नहीं होगा, Na2CO3। ठीक है, तो ये जो है ये फिनोल का की रिएक्शन से सारे।